त्रयोदशी व्रत महत्तम। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उससे संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत को करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागन स्त्रियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 कौतान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो भी मनुष्य पूरे विधि विधान और तन मन धन से करते हैं उनके सभी दुख और क्लेश दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे वर्ष की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उसका उद्यापन करना चाहिए। बुधवार त्रयोदशी अर्थात बुध प्रदोष व्रत। इस व्रत में दिन में एक ही बार भोजन करना चाहिए। इसमें हरी वस्तुओं का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यह व्रत भगवान शंकर का प्रिय व्रत है। भगवान शंकर की पूजा धूप बेल पत्र आदि से की जाती है। प्राचीन काल की कथा है, एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार अपनी पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और सास से कहा कि बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से बुधवार को ही विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलने पर पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बतिया रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर ये देखकर उसे और भी आश्चर्य हुआ कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हमशक्ल आदमियों को झगड़ते हुए देखकर जब काफ़ी देर हो गई तो वहाँ आने जाने वालों की भीड़ लग गई। सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा तेरा पति है, तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों पुरुषों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस प्रकार असमंजस में देखकर पुरुष की आंखें भर आईं। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को ही अपनी पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष शयकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। और उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष का व्रत रखने लगे। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।